नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव में आखिरी समय तक हो रहे हैं घमासान युद्ध, देखते हैं आज की मुख्य खबरें। चुनाव एक दिन पहले कल रात बरामद किए गए गाड़ी से रुपए, दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत, वसई विरार के महापौर पर हुआ FIR दर्ज। आज के चौथे चरण के लिए आज 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान होना था, जिससे चुनाव एक दिन पहले कल रात नेता की गाड़ी से कैश बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात को 12 बजे शिवसेना भाजपा के मंत्री रविंद्र फाटक नालासोपारा सेंट्रल पार्क का चुनाव कार्यालय खोलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ गतिविधियां कर रहे थे, जिसका बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और आपस में दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए। उसके बाद घटनास्थल पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी एवं पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच करते हुए गाड़ी की तलाशी लेते समय गाड़ी से रुपए बरामद हुए। वसई विरार के महापौर पर हुआ FIR दर्ज। कल रात 28 अप्रैल को बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को नालासोपारा में रुपए बांटते समय स्थानीय सिंह सैनिकों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले में वसई विरार महानगर पालिका के महापौर रुपेश जाधव, उमेश नाईक और बहुजन विकास आघाड़ी के 6 नगर सेवकों के खिलाफ नालासोपारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए संतोष भगत के साथ संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। भाऊ डॉक्टर संजय सामान्य माणूस आहे। पगारचा विषय नाही आहे, आम्ही नेतृत्व आहे, आम्ही इंडियन आहे। Thank you.